सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि ये अभी नहीं बताया गया है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, कोरोना टीकाकरण के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को दिया जाए अवकाश। प्रयागराज में होली के आई अलर्ट के दौरान बेखौफ बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। उन्होंने झूसी के कनिहार गांव में यूथ कांग्रेस के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के इकाई के उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम को गोलियों से भून दिया। वारदात तब हुई जब अकरम मंगलवार रात 11 बजे करीब गाँव में ही मस्जिद के पास स्थित दुकान पर था। उत्तर प्रदेश 4 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। 15 अप्रैल को होगा पहले दौर का मतदान। आचार संहिता लागू हो चुकी है। सीएम योगी ने भूमि आवंटन अनियमितता में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 3 पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी हुआ है। बता देंगे, घोटाला मेरठ के बिसौला में हुआ था। यहां की ग्राम सभा की जमीन अवैध ढंग से आवंटित गई थी। पर्वाधिकारी रिपोर्ट ने माना कश्मीर में हालात सुधार रही भारत सरकार, उइगरों पर चीन को लताड़। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बाइडेन प्रशासन के अंदर अपनी पहली मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बाइडेन प्रशासन ने माना कि भारत ने जम्मू कश्मीर में सामान्य हालत वापस लाने के लिए लगातार कोशिश की है, लेकिन इसी रिपोर्ट में उइगरों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर फटकार भी लगाई है। गणतंत्र दिवस हिंसा, दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। तख्ता पलट के बाद म्यांमार में नक्सलवाद जारी। खून की होली खेल रही सेना ने ली 500 लोगों की जान। देश भर में कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों में बुधवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान मौतों का आंकड़ा बढ़ा, जिससे टेंशन को भी बढ़ा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 84.73% नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से आए हैं वे राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहाँ पिछले 24 घंटों में 27,918 नए रिपोर्ट हुए। दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी ने साल 2021 के लिए अपना नया कप्तान चुन लिया है। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में अब ऋषभ पंत टीम की बागडोर संभालेंगे। टीम इंडिया के इस विकेट कीपर बल्लेबाज से दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी प्रभावित है।